में अन्याय अधर्म और पाप के अलावा कुछ नहीं होगा, इसलिए हम यहां से जा रहे हैं। परीक्षित फिर आगे बढ़े, कलयुग से पूछा, क्यों कलयुग भैया तुम्हारे अंदर तो अवगुणी अवगुण है भैया, और अवगुणी आदमी को जिंदा रहना, अब हम तुम्हें मारेंगे, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो कलयुग ने जवाब दिया है, प्रभु मार देना चाहते हो तो मार दो, लेकिन हमारी भी सुन लो। तुम भी कहो तुम क्या कहना चाहते हो। तो कलयुग अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करता हुआ बोला है, सुनो महाराज, इन धर्म और पृथ्वी ने ये तो कह दिया कि कलयुग में पाप और अन्याय अधर्म के अलावा कुछ नहीं होगा, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं हमारे अंदर गुण भी हैं और अवगुण भी हैं, लेकिन गुण वो हैं जो सतयुग त्रेता द्वापर में भी नहीं थे। वो कौन से गुण हैं? जवाब दिया, वो ही सुन लो महाराज। पहला गुण और पहली अच्छाई एक ये है हमारे अंदर, क्या है? तो कलयुग अपने मुंह से अपनी पढ़ाई करता हुआ बोला, सुनो महाराज, पहला गुण कलयुग के नाम आधार, सुमेरे सुमेरे जिंदगी नहीं है। और ये सच बात है भक्तों, सतयुग त्रेता द्वापर में लोग हजारों साल बैठ करके भजन किया करते थे, क्योंकि तब हजारों साल की उम्र थी। सतयुग में मां के गर्भ में बच्चा रुकता था 500 साल, सतयुग में मां के गर्भ में बच्चा रुकता था 500 साल, तब हजारों साल की उम्र थी, हजारों साल की।